बीती रात एक युवती की सतर्कता से 13 वर्षीय बालक को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से मुक्त कराया। टीकमगढ़ जिले के ग्राम गणेशपुरा निवासी नीलेश पिता मनोज यादव को आयु 13 वर्ष को ग्राम के ही एक व्यक्ति अमर सिंह यादव पकड़कर गुड़गांव ले जा रहा था। बच्चे को लेकर सलमान बस में सवार होकर झांसी की ओर जा रहा था। सलमान बच्चे को बार बार मार रहा था। बच्चा बार बार बोलने की कोशिश भी कर रहा था। बस में बैठे भगवंतपुरा निवासी पुष्पेंद्र अहिरवार को शक हुआ, जिस पर उन्होंने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने सारी घटना बता दी। पुष्पेंद्र ने बस रुकवाने का बोला तो ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। इस पर पुष्पेंद्र ने 100 डायल को फ़ोन लगाया, लेकिन जब तक 100 डायल आई तब तक बस रुकने पर सलमान बालक को छोड़कर भाग निकला। पुष्पेंद्र अहिरवार ने बालक को दिगोड़ा 100 डायल को सौंप दिया। बच्चे ने बताया कि गांव के छोटे बच्चों का अपहरण करके सलमान गुड़गांव में बाल मजदूरी करवाता था। मोहनगढ़ से अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। आपका नाम? नीलेश यादव। कहाँ के हो बेटा? गणेशपुरा। हाँ। कहाँ पे पढ़ता है? पढ़ता आल लड़वाई के पास। आल लड़वाई। तो अभी आपको बस में जो लोग लो आए थे उन्होंने कहाँ से पकड़ा था आपको? मेरे को गांव से पकड़ा, जबरदस्ती बैठा के ले जा रहे थे। अच्छा, क्या बोले वो आप लोगों से? उनने बोला कि मेरे साथ चले। तो अभी आपकी मदद किसने की? भाई साहब ने। अच्छा, नहीं अभी जो 100 नंबर को डायल को फोन किसने लगाया? आपने? अच्छा, जी लोग आपके गांव के हैं, आप पहचानते हो? नहीं, जिनने वो पकड़ा था। हाँ, उनको पहचानते। नाम जानते हो क्या? नाम? हाँ, नाम जानते। क्या नाम है उसका? अमर सिंह यादव। अमर सिंह। और साथ में उसके कौन था? उसके साथ में कोई नहीं था, एक गाड़ी से छोड़ने आया था, गाड़ी वाले को जानता नहीं। अच्छा, वो तुम दोनों को? हाँ। मेरा नाम पुष्पेंद्र है, ग्राम भगवंतपुरा का रहने वाला हूँ। हाँ सर, ये लड़का बस में जो पकड़ के लाया था जी, वो इसको मार रहा था जी। तो छतरपुर के दो लड़के थे साथ में जी, पता वो गेट पे खड़े थे। तो इसने इसको, इसने उसको मारा, तो इसने उसने इसको उसको मार दिया। बदमाश जो पकड़ के ले जा रहा था उसको मार दिया। तो लड़के देख रहे थे, उसने पूछा आप किस मतलब से इसको मार रहे हो? तो जी बोला हमको पकड़ के जो है ले जा रहा है। तो उसने और उसको मारा, उन लड़के को, वो उतर के भाग। आपने 100 नंबर को फ़ोन किया? फिर मैंने बस को रुकवाया है। कौन सी बस थी? सलमान बस थी। अच्छा, पूरी बस में हल्ला किया, कम से कम 25-30 बार आवाज़ दी एक बार बस में। इसके बाद मैंने पहले भी 100 नंबर फ़ोन लगाया तो कोतवाली का मैंने एड्रेस बताया तो डिसकनेक्ट हो गया, पता नहीं किस कारण। फिर मैंने दिगोड़ा थाने के लिए इन्फॉर्म किया। गाड़ी आ गई जी, तो हमारे पास आप लोग आ चुके हैं, इसलिए आपके हवाले और इसको सही सुरक्षित इसके गांव से माता पिता के पास आपकी जवाबदारी है सर छोड़ने की।